इस प्रकार से बताया जाता है कि जब कथा प्रसंग चल रहा था कि जब सातल और पातल की दोनों घरवाली चल करके पातल की दोनों घरवालियों को मालूम था कि आज काल तुम्हारे सामने आ चुका है, अगर ये बच सके तो कोई ना कोई विधि निकालो। दोनों तैयार होकर के मन के अंदर विचार करती है कि परमात्मा तेरी लीला अपरंपार है। ग्राम धोकर से बाबा श्री देवनारायण महाराज का मंदिर देखिए, देवों के स्थान के ऊपर देवता दान कर रहे हैं। धोकर गांव से बाबा श्री रामल जी महाराज के स्थान की तरफ से भी 500 रुपए सम्मान होते, सब ताली बजा करके सम्मान होना चाहिए। सातल और पातल की दोनों घरवाली तैयार होकर के चल करके आती है और सामने खांडे राव दिखाई देता है। तब दोनों नेत्रों से नीर बहती है, हाथ जोड़ करके खांडे राव के सामने जाती है। हेलो, मैं नागरमल मैसी से प्रार्थना करता हूँ कि नागर जी मासी जी जड़े से वो आ जाए, सब भी एक मदन को दे जाए, यही बात आ जाए। ये दोनों सातल पातल की घरवाली चलती चलती खांडे राव के सामने जाती है और एक त्रिया चरित्र रच करके और एक खांडे राव के सामने हाथ जोड़ करके और एक विनती करती है। तो क्या कर रही थी ये 500 रुपए जी? बैठ जाओ मासी जी, बैठ जाओ। दोनों तो जोड़ा रात में वो गिरो मया जब
रोज की जाल वो बेटे ना भाई दिन का तू तो वो की रात कर जोर में मरूंगी Oh,
बाकी कौन कहीं तो आओ भाई दानों पानी।